ये है बुलिंजर बैंड okay. एक बैंड है ऊपर जिसका लिमिट है नीचे का लिमिट है hmm. कैसे डिसाइड होता है ये 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 ऊपर का का लिमिट लिमिट और नीचे का लिमिट ये बीच वाली लाइन देख रहा है।, hmm. ये hmm. है 20 पीरियड मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज अपन ने चर्चा किया था yes. आपको याद होगा hmm. अपन लोग कौन सा मूविंग एवरेज देखते हैं अपने इक्कीस देखते हैं पचपन देखते हैं सौ देखते हैं दो सौ देखते हैं hmm. इसको अपने काम करते हैं बीस को कन्वर्ट कर देते हैं हैं में कर लेते बुरा नहीं मानेंगे बुलिंजर साहब ठीक है तो जो करना करो मैंने बीस बोला था तुमको इक्कीस अच्छा लगता तुम तो इक्कीस कर ले बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक okay. है अब नीचे का रेंज कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट हो होता है उसको होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड है डेविएशन मतलब कितना डेविएट कर रहा है जैसे एक क्रिकेट वाला अपन लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था जब अपने मूविंग एवरेज डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि एवरेज में स्कोर होता है एक सौ बट जैसे ही धोनी साहब आ गए वो एवरेज स्कोर सॉरी विराट कोहली साहब आ गए वो एवरेज हो गया 200 210 तो स्टैंडर्ड डिशन जो है वो पहले एक रेंज था फिर स्टैंडर्ड डिशन चेंज हो गया जैसे ही रेंज चेंज हुआ स्टैंडर्ड डिविशन के कारण ये पूरा रेंज एक्सपैंड कर गया ठीक hmm. है इट्स बेसिकली डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड मीन इज द एवरेज तो साहब बोल के गए कि दो स्टैंडर्ड देंडर्ड बेंच मार्क कर लीजिए ओके okay. दो स्टैंडर्ड डिशन का क्या मतलब हुआ मतलब मीन से वो टू टाइम टू टाइम्स डेविएट कर नॉट टू टाइम्स ऑफ मीन बट टू टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिशन ओके एक स्टैटिस्टिक्स में हमने स्कूल में पढ़ाई की थी uh, कॉन्फिडेंस लिमिट यू नो उसमें एक कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जैसे ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब क्या होता है ऐसा कर्व होता है जिसमें बीच में मीन होता है और इधर में जो भी इवेंट्स आते हैं उसका प्रोबेबिलिटी वन होता है इधर में जो भी इवेंट आते हैं उसका प्रोबेबिलिटी माइनस वन होता है ओके थेके? तो टू स्टैंडर्ड डिशन का मतलब हो गया नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस लिमिट मतलब 95 परसेंट चांस है ये देसी लड़ाई जो बता रहा हूँ 95 परसेंट चांस है कि ये स्टॉक जो है इतना ही रेंज में रहेगा इसको अगर मुझे बढ़ाना है इसको मेरे को 99.7 परसेंट करना है तो फिर मैं टू स्टैंडर्ड डिविशन को बढ़ा के तीन स्टैंडर्ड डिविशन कर दूंगा मतलब रेंज और बढ़ा हो जाएगा ओके ओके गॉड इट ठीक है एक बहुत सरल uh, कॉन्सेप्ट है स्टेटिस्टिक्स का टेस्ट कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट अगर वन स्टैंडर्ड डिविशन करते हैं तो उसका तकरीबन आई थिंक एट परसेंट करीब होता है कि कि चांस है कि ये स्टॉक तीन डालते क्या हुआ बढ़ गया देखा कैसे टैक करके गैप बढ़ गया इसका मतलब जितना आप स्टैंडर्ड डिविजन बढ़ाएंगे उतना रेंज बड़ा हो जाएगा Hmm. उतना बोलेगा कि हाँ 99% नाइन परसेंट नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट चांस है कि ये रेंज में ही स्टॉक रहेगा अब इसको मैं एक बार वन uh, करके दिखाता हूँ आपको देखिए कितना अटैक हो गया तो ऑब्वियसली कम हो गया ना प्रोबेबिलिटी इस रेंज में रहने का तो टू इज अ अ स्टैंडर्ड विच एवरी वन फॉलो विच इज फाइन